हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1065 नए केस सामने आए। गुरुग्राम में 241, फरीदाबाद में 138, हिसार में 152, रेवाड़ी में 82, सोनीपत में 55, सिरसा में 49 नए मामले मिले। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1589 पहुंच गया है। साथ ही एक दिन में 1162 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह कोरोना से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या कुल 1,30,000 से ज्यादा हो गई है। महंत निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 51 थाने में साजिश के तहत धोखाधड़ी करने का के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल सेक्टर 51 के रहने वाले परिवर्तन नाम के शख्स ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी है कि केसीसी कंपनी के मालिक बलराज कुंडू और उनके भाई और कंपनी के 2 अन्य अधिकारियों ने उनके साथ करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इस कंपनी का मुख्य कार्यालय गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक बिल्डिंग में है। कंपनी में विधायक के साथ ही उनके भाई शिवराज कुंडू, पी के लांबा और मोहम्मद हाशिम भी निर्देशक हैं। कंपनी के पास मध्य प्रदेश में कई सड़कों को बनाने का ठेका है। इनमें से एक सड़क बनाने का ठेका गुरुग्राम के सेक्टर 51 निवासी परिवर्तन सिंह की कंपनी को दिया गया था। परिवर्तन सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि सड़क बनाने का ठेका 75 करोड़ में दिया गया था, जिसके बाद सिर्फ 27 लाख की पेमेंट की गई और उसके बाद कंपनी से जुड़े तमाम लोगों ने बकाया पेमेंट देने से इनकार कर दिया। बहरहाल एसीपी सदर ने इस पूरे मामले में तफ्तीश करके केसीसी कंपनी और इनके मालिकों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। उधर मामला दर्ज होने के बाद बलराज कुंडू कैमरे के सामने आए और अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए आवाज दबाने की बात कही। सेवा सुरक्षा और सहयोग के नारे को साकार करने की कवायद में हरियाणा का गृह विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अब हरियाणा पुलिस एक कदम और आगे बढ़ाने जा रही है, जिसके बाद हरियाणा में पुलिस की छवि के साथ साथ पुलिस की परिभाषा तक बदल दिए जाने का दावा किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हरियाणा में हरियाणा पुलिस का डायल 112 प्रोजेक्ट अपने आखिरी चरण में है। इस बात की जानकारी देने के लिए खुद हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर आईपीएस अधिकारी आरसी मिश्रा गृहमंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचे और प्रोजेक्ट संबंधी पूरी जानकारी गृहमंत्री को दी। इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का सर्वर भी लगा दिया गया है। अनिल विज का दावा है कि प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद हर कॉल के 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंचेगी और इसके कॉल सेंटर में पहली बार 4 भाषाओं के ऑपरेटर लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिन्हें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी आनी चाहिए। बता दें कि डायल 112 वो प्रोजेक्ट है जिसमें 112 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस महज 15 मिनट में शिकायतकर्ता या मुसीबत में फंसे व्यक्ति तक पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया अंबाला जाते समय कुछ देर के लिए कुरुक्षेत्र में रुके। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जीत की हुंकार भरी। साथ ही रतनलाल कटारिया ने कहा कि जल्द ही बड़ौदा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। इस मौके पर कटारिया ने पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया, जिसमें उन्होंने सीएम को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। रतनलाल कटारिया ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर बड़ौदा से चुनाव लड़ते हैं तो लड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जीतकर विधायक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिजूल की बयानबाजी से बड़ौदा उपचुनाव जीतने वाली नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने जहां बड़ौदा में उपचुनाव जीतने का दावा किया, वहीं पंजाब में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर सरकार बनाने की हुंकार भरी है। पंजाब में तो अभी देरी है, लेकिन उससे पहले बड़ौदा उपचुनाव जीतने की चुनौती है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि पहले किसान की फसल को एमएसपी से कम दाम पर खरीदा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के विरोध करने के बाद अब धान की एमएसपी पर खरीद शुरू हो पाई है। हुड्डा ने कहा कि अब भी किसानों की समय पर पेमेंट नहीं की जा रही। जितनी धान पूरे हरियाणा में मंडी में आनी है, अब तक उसमें से सिर्फ 5% की खरीद हो पाई है।
कृषि कानूनों पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि तीन कृषि कानून किसानों के लिए हानिकारक हैं। किसानों की धान सड़कों पर पड़ी है और किसान अपनी धान की रेकी के लिए सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। जुलाना के बराड़खेड़ा गांव में इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक जनसभा को संबोधित किया। अभय चौटाला ने कहा कि 15 नवंबर के बाद एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर किसान विरोधी कानून में बदलाव करवाए जाएंगे। प्रदेश की सरकार लगातार किसान विरोधी काम कर रही है। जिस सरकार को लोगों ने नकार दिया था, उसी सरकार को बनाने का कार्य उन्हीं लोगों ने किया जो लोग जनता के बीच में जाकर बुजुर्गों और किसानों के मान सम्मान की बात करते थे। जनता ने तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर ही दिया था, लेकिन इन्हें 10 सीटें मिलने के बाद सत्ता बनाने का कार्य किया और एक अच्छे पदों की लालसा में चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के आगे गिरवी रख दिया। कैथल में निलंबित किए गए सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान के मामले को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन समेत कई एसोसिएशन उनके पक्ष में उतर आए। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर निलंबन वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर 14 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। 15 अक्टूबर से कैथल सिविल अस्पताल से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल रहेगी। पदाधिकारियों और डॉक्टर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बिना जांच किए सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान को सस्पेंड किया गया है। आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर उनका कोई लेना देना नहीं है, ये काम ठेकेदार के माध्यम से होता है। कलायत में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से डीपो पर सप्लाई के नाम पर कलायत में 72 क्विंटल गेहूं बेचते हुए रंगे हाथ दबोचने का मामला उजागर हुआ है। अनाज को विभाग के गांव रामगढ़ रोड स्थित भंडारण स्थल से वाहन में 145 कट्टों में लोड किया गया। सरकारी गेहूं को बेचकर सरकार को चूना लगाने की सूचना खुद खाद्य एवं आपूर्ति गोदाम के चौकीदार कुलदीप सिंह ने प्रशासन को दी। इस कार्रवाई में उसने विभाग के अधिकारियों को गेहूं को ठिकाने लगाने में शामिल बताया। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि सरकारी भंडारण से गेहूं का नियमों के विरुद्ध उठान कर बेचने की शिकायत एसडीएम डॉक्टर संजय कुमार द्वारा दी गई है। तमाम पहलुओं की सिरे से तहकीकात करते हुए मामले में शामिल कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोडेड वाहन को कब्जे में लिया गया है। रोहतक जिले के लौट गांव के पास सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर 50,000 लीटर के करीब स्प्रिट बरामद किया है। विभाग को सूचना मिली थी कि गिलौट गांव में पेट्रोल पंप के पास एक ढाबे में अति ज्वलनशील पदार्थ काफी मात्रा में एकत्रित किया गया है। छापेमारी करते हुए मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने वहां से 2 टैंकरों में लगभग 50,000 लीटर के करीब स्प्रिट बरामद किया है। इंद्री अनाज मंडी में धान खरीद निरीक्षक के आढ़तियों से गाली गलौज करना महंगा पड़ गया। आढ़तियों की शिकायत पर मंडल आयुक्त ने निरीक्षक को खरीद के काम से तुरंत हटाने के आदेश जारी कर दिए। दरअसल इंद्री अनाज मंडी में खरीद का जायजा लेने मंडल आयुक्त आने वाले थे। इससे पहले ही धान खरीद के काम में लगे एक निरीक्षक ने आढ़तियों के साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत आढ़तियों ने मंडल आयुक्त से की, जिसके बाद निरीक्षक को हटाने के आदेश मंडल आयुक्त ने दिए। इस दौरान मंडल आयुक्त ने अनाज मंडी में धान खरीद की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खरीद व्यवस्था का जायजा लेने के बाद मंडल आयुक्त ने किसानों को किसी तरह की दिक्कत न आने देने का आश्वासन भी दिया। रतिया रोड पर स्थित एडमिशन अनाज मंडी के बाहर खरीद की समस्याओं को लेकर पिछले समय से किसानों के द्वारा लगातार जाम लगाए जा रहे थे। इसी समस्या से नायब तरीके से निपटते हुए अब मंडी में दाखिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय प्रशासन, कच्चा आढ़ती एसोसिएशन, सेलर मिल एसोसिएशन और खरीद एजेंसियों के बीच हुई बैठक के बाद संयुक्त रूप से लिया गया। कालावाली में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना जारी है। रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप पर धरना पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में सिरसा में प्रदर्शन कर रहे किसानों में विधायक और नेताओं द्वारा समर्थन न करने पर किसानों में रोष है। जाखल के गांव चांदपुरा के किसानों ने बीजेपी जेजेपी के नेताओं की गांव में एंट्री बैन करने का बैनर लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है।
इस दौरान किसानों ने विधायक देवेंद्र सिंह बबली को इस्तीफा देकर समर्थन देने और निशान सिंह को दुष्यंत चौटाला पर दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाने की मांग की। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो नेता किसानों का साथ देगा उसे ही गांव में आने दिया जाएगा। सिरसा में 3 कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगातार जारी है। किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को उनके समांतर खड़ा कर आंदोलन करवाने की तैयारी की जा रही है ताकि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में गुटबाजी को बढ़ाया जा सके। सिरसा में पीटीआई टीचर्स का धरना प्रदर्शन 118वें दिन भी जारी है। वहीं सरकार के संस्कृति मॉडल स्कूल पर नए पैटर्न के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने पीटीआई टीचर्स द्वारा दिए जा रहे धरना स्थल पर जाकर रोष प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। धरनारत अध्यापकों ने सरकार द्वारा 1000 संस्कृति मॉडल स्कूल की घोषणा को शिक्षा को निजीकरण की बढ़ाने की तरफ कदम बताया। गोहाना के सरकारी स्कूलों के निजीकरण के विरोध में स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन किया और डाक के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का फैसला लिया। पूर्व मामले को लेकर जिला प्रधान संजीव मोर ने बताया कि सरकार महंगे दामों पर ऐप्स खरीदकर शिक्षकों पर थोप रहे हैं, लेकिन हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है। बिना ट्रेनिंग शिक्षकों पर इस तरह के फैसले थोप रहे हैं। कहीं पर नेटवर्क की परेशानियां हैं तो कहीं गरीब बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन उपलब्ध नहीं, जिससे परेशानी बनी हुई है। अध्यापक संघ की मांग है कि सबको निःशुल्क शिक्षा मिले। प्रदेश में पराली शुरू से ही बड़ी समस्या रही। सरकार और प्रशासन पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी भी प्रदेश में पराली जलाई जा रही है। पराली जलाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। गोहाना में पिछले कुछ दिनों में किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। जब गोहाना में किसान पराली जलाते पाए गए तो उनसे इस बारे में पूछा गया। किसानों से पूछा गया कि प्रशासन के आदेशों के बाद भी पराली क्यों जलाई जा रही है, जबकि प्रशासन ने इसके लिए इंतजाम भी किए हैं, तो पराली जला रहे किसानों ने कहा कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उनके पराली ऐसे ही पड़ी रहती है। अगर वो पराली नहीं जलाएंगे तो अगली फसल कैसे उगा पाएंगे। किसान का कहना है कि उन्होंने पराली को हटाने के लिए प्रशासन का इंतजार भी किया, लेकिन जब प्रशासन ने पराली को लेकर कुछ कदम नहीं उठाए, उन्हें पराली खत्म करने की मशीनें मुहैया नहीं कराई गई, तो उन्हें पराली को खुद ही जलाना पड़ गया। कोरोना महामारी के चलते कई मजदूरों का कामकाज ठप हो गया था, जिसके चलते न केवल उनकी रोजी रोटी गई बल्कि सर भी छिन गया, सर पर छत भी छिन गई। पानीपत के गोहाना पुलिस के नीचे पिछले 3 महीनों से एक परिवार खिलौने बनाकर गुजर बसर कर रहा था। कोरोना महामारी के चलते इस परिवार पर भी बहुत बड़ा असर हुआ। बता दें कि परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं, जो अपनी जीविका बच्चों के खिलौने तैयार करते हैं और पानीपत के अलग अलग इलाकों में जाकर उनको बेचते हैं। साइबर सिटी में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलाने के आदेश जारी होने के बाद उद्योगपति परेशान हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि जिला प्रशासन को पहले बिजली की समस्या को दूर करना चाहिए, उसके बाद ये फैसला लेना चाहिए। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया के वाइस प्रेसिडेंट के गांधी की माने तो जनरेटर सिर्फ लाइट जाने पर चलाए जाते हैं, लेकिन साइबर सिटी में चलने वाले डीजल ऑटो, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां, जो कि प्रदूषण की सबसे प्रमुख वजह हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन के पास कोई ठोस योजना नहीं है। वहीं सेक्टर 37 इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रधान उमेश कुमार की माने तो उद्योग जगत पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, कोरोना ने इसे और विकराल रूप दे दिया। अब जब सब सही होने की दिशा में उद्योग बढ़ने लगे हैं तो ऐसे में जनरेटर नहीं चलेंगे जैसे आदेश काफी हैरान करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 6 राज्यों के 776 लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देकर उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने का पुनीत कार्य किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन रेवाड़ी के सभागार में भी किया गया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ साथ प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे भारत के 6 राज्यों के 763 गांव में प्रॉपर्टी कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत झज्जर जिले के 11 गांव में योजना को क्रिया में करते हुए लाभार्थी कार्ड धारकों को अपना संदेश दिया। यमुनानगर के तुगलपर गांव के राजमिस्त्री का काम करने वाले मुमताज अली से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इस कार्ड से क्या लाभ होगा उस बारे में बात की। साथ ही पीएम ने कहा कि वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, यही कारण है कि आए दिन एटीएम चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला रेवाड़ी के बावल क्षेत्र से सामने आया, जहां बनीपुर चौक पर स्थित एक एटीएम को निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते चोरी करने आए चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। उकलाना के त्रिवेणी विहार कॉलोनी में पवन नाम के एक शख्स की फांसी लगाकर खुदकुशी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि खुदकुशी से पहले मृतक ने फेसबुक पर लाइव किया और फिर पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। उधर परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी सतपाल ने बताया कि मृतक पवन के चचेरे भाई चंद्रमोहन की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पवन ट्रक ट्रेलर चलाने का काम करता था। वो किसी कंपनी में ट्रक चलाता था और कुछ दिन से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उन्होंने बताया कि पवन कई महीनों से वेतन न मिलने से परेशान था, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली। पलवल में एक शख्स ने अपनी अपाहिज पत्नी की लोहे की रॉड से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का कहना है कि उसकी पत्नी दोनों पैरों से लाचार थी और वो उसकी सेवा करने से परेशान था। जांच अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उन्होंने पलवल के कल्याण नगर निवासी हत्या आरोपी गजेंद्र कोसी के निवास से गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से जेवर का रहने वाला था। आरोपी गजेंद्र ने 6 फरवरी को अपनी ही पत्नी कांता देवी की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी से घटनास्थल की निशानदेही कराकर उसे अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। सोना जिला मॉडर्न जेल में बंद कैदियों को नशा सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को गुरुग्राम डीएलएफ 4 की क्राइम टीम ने काबू किया। क्राइम टीम ने आरोपी अंकित के पास से 110 ग्राम चरस और दूसरे आरोपी प्रेमचंद के पास से 24 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी जेल में बंद जिला रेवाड़ी के गांव डलियावास के दीपू नामक कैदी के पास पहुंचाना ड्रग पहुंचाने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सेक्टर 65 थाने में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। यमुनानगर के तीर्थनगर में 32 साल के ज्वेलर की गला घोटकर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद बदमाश ज्वेलरी शॉप में लूटपाट कर फरार हो गए। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का कहना है कि 10 से 15 लाख की लूट हुई है। सिरसा के फुलका गांव के पास वन मंदोरी माइनर से युवती का शव बरामद हुआ है। बता दें कि सूटकेस पर बंद कर युवती के शव को फेंका गया था। माइनर में सूटकेस बहता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद दार्डिंग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सूटकेस को माइनर से निकाला गया। सूटकेस से करीब 25 साल की युवती का शव बरामद हुआ। और इसी खबर के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।